Hello friends, this is Sahil and welcome to CATCOM Live. Max में जो rendering का part होता है उसमें कई सारे parts होते हैं। आपने सुना होगा कि Max में lighting और materials के लिए Mantle यूज करते हैं, लेकिन अब mostly हर companies में और जो भी जितने designers हैं वो भी वीरे यूज करते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ आज एक छोटा सा पार्ट कि मैक्स में वीरे के थ्रू कैसे वर्क किया जाता है। हमारा कोई मॉडल है, उसमें वीरे का रेंडर, वीरे का मटेरियल, वीरे की लाइटिंग कैसे यूज करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेटिंग करते हैं वीरे की। कैसे? ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा रेंडर सेटअप। तीन होते हैं, रेंडर सेटअप, रेंडर फ्रेम विंडो और रेंडर प्रोडक्शन। रेंडर सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉमन, और कॉमन को थोड़ा सा नीचे आएंगे हम ड्रैग करके, असाइन रेंडरर। असाइन रेंडरर में पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है एक्टिव शेड। प्रोडक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया होता है वीरे एडवांस 3.50, मतलब जो भी आपका वर्जन होगा वीरे का वो यहाँ पे शो करेगा। मुझे यहाँ से वीरे आरटीपी होगा, इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है वीरे एडवांस, ओके कर देना है। और इतना करने के बाद जो एक्टिव शेड का पार्ट है वो भी हम यहाँ से लेंगे वीरे आरटी का। चलो इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स का, शॉर्टकट होता है एम। एम को प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मटेरियल एडिटर। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होते हैं स्लॉट। स्लॉट का मतलब अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे यूज करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसी तरह हम अलग अलग ऑब्जेक्ट स्लॉट्स को और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान देना है कि जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो कभी कभी यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है, मतलब ये जो है स्टैंडर्ड है और हमने सेटिंग करी है वीरे की। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इसी स्टैंडर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे वीरे, और इसी में आएगा वीरे MTL। MTL का मतलब होता है वीरे मटेरियल। आपको क्लिक करके ओके करना है। जैसे ही ओके करोगे देखो हमारा कन्वर्ट होके आ गया स्टैंडर्ड टू वीरे मटेरियल। अब इसी को सेलेक्ट एंड ड्रैग करके, या तो आप बार बार वहां पे ऐसे आप इसको लो क्लिक करो और वीरे मटेरियल पे जाके ओके करो, तो ज्यादा बेटर क्या लग रहा है कि मैं इसको सेलेक्ट एंड ड्रैग करके वन बाय वन कॉपी कर दूंगा। काम भी हमारा फास्ट हो गया, टाइम भी हमारा सेव हो गया। ज़्यादा स्लॉट मैं नहीं लेता हूँ, बस यूजफुल लेता हूँ, लेता मेरे यूज करने। तो अब ये है क्या, ये वही एलिवेशन है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से, बेसिक ड्राइंग ऑटोकैड की इंपोर्ट करा के पूरा कैसे कंप्लीट करा है मैंने, डिटेलिंग कैसे दी है मैंने, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप इस एलिवेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे पिछले वीडियोज में सारा बताया गया है। तो ये आइडिया ले लेते हैं, एक हिंट लेते हैं कि ये है क्या। देखने में कुछ ये है, मतलब फाइनल जो आया है आउटपुट वो इस तरह आया है। तो वुडन, देन ये ब्रिक, मार्बल। तो क्या करना क्या है, सबसे पहले हम आते हैं स्लॉट वन पे, हम इसको ले लेते हैं क्या वुड के नाम से, नेम डाल दिया हमने वुड। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिफ्यूज के आगे जो कलर का बॉक्स है, इसके आगे एक छोटा सा बॉक्स और है, इसका मतलब होता है कलर को चेंज करना, और इस वाले बॉक्स का मतलब होता है कि किसी इमेज को इंपोर्ट कराना। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बिट मैप। बिट मैप का मतलब होता है कि कस्टमाइज करना किसी इमेज को। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपका मटेरियल सेव है आप सेलेक्ट कर सकते हो उस लोकेशन को। तो वुड की क्वालिटी मेरे पास ये आ गई, और वुड ले लेता हूं मैं इस वाले को, या इस वाले को, या फिर इस वाले को, किसी भी अच्छी क्वालिटी का इमेज को सेलेक्ट करके ओपन करना है। और कहाँ पे है अगर मैं उस इमेज को देखना चाहूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पहला तो ये पार्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। जब हम क्लिक करते हैं तो मटेरियल हमारा विजिबल नहीं होता है, शो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफ होता है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू बोर्ड ऑप्शन से,
मतलब क्या हुआ कि पहले तो अप्लाई करना है और उसके बाद क्लिक करना है शो शेडेड मटेरियल ऑप्शन पे। देखो मैंने जैसे ही क्लिक करा मटेरियल हमारा शो हो गया। ये क्या है? डिफ्यूज मैप, बिट मैप। इसका मतलब है कि हम अभी इमेज के ऑप्शन में हैं। इमेज के ऑप्शन से बाहर आने के लिए हमें यूज करना होता है गो टू पेरेंट। गो टू पेरेंट से देखो वापस आ गए, एम पे क्लिक करा फिर अंदर चले गए, गो टू पेरेंट वापस आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तो बहुत ही बड़ा साइज आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसी को सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे आते हैं और मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करके यहां से लेते हैं यू वी डब्ल्यू, ये आ गया यू वी डब्ल्यू मैप। सेलेक्ट करने के बाद इस चेक करके गिज्मो करेंगे और गिज्मो करने के बाद बॉक्स और उस बॉक्स की लेंथ वगैरह को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, जितना भी आपको रखना है। वुडन वुडन थोड़ा वुड हमारा आ रहा है बट थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। तो अब रोटेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। रोटेट करने के लिए हमें गिज्मो पे सिलेक्शन हमारा ऑलरेडी है, ऊपर ऑप्शन दिया होता है एंगल स्नैप, हमने ऑन कर लिया है और ई प्रेस करा है रोटेशन के लिए। तो देखो हमारा रोटेट हो गया इमेज एंड मटेरियल। तो और कुछ चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लो और जितना रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग साइज को मैनेज कर लो। और कहाँ कहाँ पे था? और इस वाले पोर्शन में था, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये था, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो मुझे भी इसके लिए क्या करना होगा? यू वी डब्ल्यू मैप यूज करना होगा, क्लिक करके यू वी डब्ल्यू मैप, देन वही प्रोसेस चेक करके गिज़्मो और ई प्रेस करके कहाँ पे फ्रंट में आके रोटेट करना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप कि रोटेशन हमेशा फ्रंट में ही होना चाहिए। तो बॉक्स पे आने के बाद हमें क्या चेंज करना है? इसकी लेंथ को चेंज करना है, इसकी विड्थ को चेंज करना है, देखते हैं, और हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आ गया। तो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको बेटर लगे। अब तो क्या इस पे भी अप्लाई करूंगा? हाँ बिल्कुल, इसको सेलेक्ट करके आसान मटेरियल टू सिलेक्शन, तो मुझे फिर से लेना पड़ेगा सेम वही साइज का? नहीं, हम इसी के यूवी डब्ल्यू मैप को इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके यूवी डब्ल्यू मैप को कॉपी करते। मैंने इसको सेलेक्ट करा, मॉडिफाई पे आए और इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करके कॉपी, इस पे क्लिक करके मॉडिफाई पे आए, राइट क्लिक करके पेस्ट। देखो सेम एज इट इज आ गया, हमें वैल्यूज भी नहीं चेंज करना हुई ना मॉडल को चेंज करना हुआ। देन इस वाले पे क्लिक करके असाइन और यहाँ पे आके पेस्ट, मतलब वो हमारा कॉपी रहेगा, बार बार आपको यूवीडब्ल्यू मैप नहीं कराना है, सेम साइज हमारा अप्लाई होगा। अप्लाई और राइट क्लिक करके पेस्ट। देन इस वाले फॉर्म पे आए, ये कौन, इसमें शायद नहीं है, ये हो गया हमारा अप्लाई पार्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये वाइट पार्ट है, तो वाइट के लिए हमें एक नया स्लॉट लेना है और नेम चेंज कर देना है वाइट, ताकि हमें मालूम तो चले कि हमने कौन सा क्या यूज करा है। वाइट के लिए हम जो डिफ्यूज के आगे जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करके वाइट के अमाउंट को ऐसे हम कस्टमाइज करके ओके करेंगे और अप्लाई कर देंगे। ये हो गया वाइट, और कौन कौन सा वाइट है? देन ये वॉल भी हमारी वाइट है, इसको भी वाइट कर देता हूँ, ये वाइट, जितना पार्ट है हमारा। तो वीरे मटेरियल यूज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगी। इस पार्ट को भी वाइट कर लेते हैं, इस पार्ट को भी, बाउंड्री वॉल को भी हम वाइट करेंगे, और क्या वाइट पोर्शन है ये भी हमारा, मोल्डिंग भी वाइट है, वॉल्स भी हमारी वाइट हैं, ठीक है, ये वॉल भी हमारी वाइट है एंड ये वॉल भी हमारी वाइट है। और इसको अगर हम देखें तो ये भी वाइट ही होगा, वाइट, इसको भी हम वाइट करेंगे और साइड वाली वॉल्स को भी वाइट करेंगे।
देखो कितनी फास्ट हम लोगों ने मटेरियल्स को यूज कर लिया। अब बात आती है रेलिंग वाले पार्ट पे, इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक। पहले तो क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लो, या इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप में भी बना सकते हो। नया स्लॉट रेलिंग के नाम से डालो, नेम कलर को चेंज करो अपने अकॉर्डिंग, और जैसा कलर आपको रखना है वैसा कलर लो, अप्लाई कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सारे रेलिंग को सेलेक्ट करा, अप्लाई सेलेक्ट करा सारे रेलिंग को मैंने। रेलिंग को सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई, देन बॉटम वाले पे आते हैं, सेलेक्ट करके रेलिंग पे अप्लाई एंड अप्लाई। गेट की बात करते हैं तो गेट को भी हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। फिर बात आती है हमारी किसकी, इस वाले पार्ट की। तो इस पे हमें लेना है क्या, इस पे लेना है एक ब्रिक का एक नया स्लॉट, मतलब हर बार मैं एक स्लॉट ले रहा हूँ। सेम प्रोसेस, क्लिक बिट मैप। तो फिर ब्रिक के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ होने चाहिए, स्टोन्स में होगा, कौन सा लें, चलो ये ले लेते हैं। देन अप्लाई शो, तो आ गया, परफेक्ट है। और इसके UVW मैप को कॉपी करके पहले अप्लाई, देन अगेन अप्लाई। अच्छा, इसकी मैपिंग को हमें कॉपी नहीं करना है क्योंकि साइज हमारा सेम है, इसको हम लोग कॉपी नहीं करते। अप्लाई पेस्ट, या इसको हम व्हाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये पार्ट आ गया। एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे आप कि डोर हमारे वुडन है, नॉर्मल है। फिर एक और नया स्लॉट ले लो और नेम चेंज कर दो उसका वुड के नाम से। फिर एक वुड जो भी आपको अप्लाई करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। वुड वुड हमारे पास बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ ले लेता हूँ इस शेप में, कौन सा सेलेक्ट करके अप्लाई। रीनेम मांग रहा है, रीनेम का मतलब क्या हुआ, वोट न्यू, कुछ भी नेम पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। देन शो शेडेड मटेरियल, और हमें यूज करना है UVW मैप। टाइलिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर विजिबल नहीं होगा रेंडरिंग में। देखो रोटेशन भी देना पड़ेगा, ये हो गया रोटेशन और ये हो गया इसका स्केल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले से ही, देन इसको सेलेक्ट करेंगे अप्लाई और इसके मैपिंग को पेस्ट करा देंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है बार बार। देन गिज़्मो, अगर हम गिज़्मो पे आएंगे तो ये भी हमारा अप्लाई हो गया है, इस पे भी अप्लाई हो गया। डोर की बात करें तो डोर पे भी हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई देन अप्लाई, यहाँ पे आके पेस्ट सारे डोर पे, यही प्रोसेस रखना है। देन राइट क्लिक करके पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वीरे की मटेरियल्स अप्लाई करने के बाद लाइटिंग को कैसे यूज करना चाहिए। देखो सेम एज इट इज हमारा लुक आ गया जैसा था उसमें। अब ग्लास की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो कंट्रोल प्रेस करके हमें सेलेक्ट कर लेना है जिस पे हमें ग्लास को अप्लाई करना है, और एक नया स्लॉट ले लो, उसका नेम डाल दो ग्लास के नाम से। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, करना क्या है, ग्लास कैसा लेना है। पहले तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट के जो ब्लैक पार्ट है उसको हमें लेना है थोड़ा सा वाइट। कैसा वाइट, ब्लू, क्योंकि हमें ब्लू थोड़ा सा ऐड कराना है इसमें, तो हम ब्लू कलर थोड़ा सा ऐड करा देते हैं। और इसी ब्लू को कॉपी करते हैं राइट क्लिक करके और रिफ्लेक्ट में पेस्ट कर देते हैं, और फिर डिफ्यूज में पेस्ट कर देते हैं। अभी विजिबल नहीं होगा, मैं आपको बताऊं ये कब शो करेगा, जब हम लोग यूज कर लेंगे ऑप्शंस को।
अभी ये चीज शो नहीं हो सकती। अप्लाई जो भी हमारे विंडोज हैं उन सब पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ग्लास वाला पार्ट जहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये फ्रेम रह गया हमारा, इसको ले लिया वुडन पार्ट। तो फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा मॉडल, एक छोटा सा एग्जांपल था कि वीरे के मटेरियल्स को कैसे यूज करते हैं। तो क्या ये फिनिश हो गया? बिल्कुल नहीं, वीरे अभी बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अभी तो हम आगे पढ़ेंगे कि वीरे में रिफ्लेक्शन, जो एक ग्लॉसीनेस नहीं होता है कि किसी चीज़ की शेडो और शाइनिंग वगैरह, वो कैसे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, और अगर कोई प्लास्टिक शेप में ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम कैसे मटेरियल्स देंगे, गोल्ड, क्रोम, स्टील, ब्लैक पॉलिश, मतलब ग्लास, ग्लास थिन, ग्लास ट्रांसपेरेंट, इन सारे मटेरियल्स को कोडिंग के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं देन हाउ टू क्रिएट ए मटेरियल्स एंड हाउ टू अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।